नए साल के उपलक्ष्य पर सिविल लाइन समाज सेवी एमआईसी सदस्य कमलेश अग्रवाल द्वारा बुजुर्गों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर कमलेश अग्रवाल व उनके अन्य साथियों द्वारा बुजुर्गों को श्रीफल और शाल देकर उनका सम्मान किया गया। वहीं इस अवसर पर बुजुर्गों ने इस कार्यक्रम में नाच गाकर पूरे कार्यक्रम को खुशनुमा कर दिया। वहीं कमलेश अग्रवाल द्वारा बुजुर्गों के लिए भोजन की भी व्यवस्था की गई। समाज सेवी कमलेश अग्रवाल ने कहा कि विगत 15 सालों से नए साल के अवसर पर लगातार बुजुर्गों का सम्मान किया जा रहा है, क्योंकि बुजुर्ग देश की धरोहर हैं, उनका सम्मान करना चाहिए और यही हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। लेकिन आज के युवा वर्ग जहां काम के चलते विदेशों में या देश के अन्य जगहों पर रहने लगे हैं, वहीं बुजुर्गों को अकेला रहना पड़ता है। इन्हीं सब चीजों के बीच देखते हुए 15 सालों से बुजुर्गों का सम्मान कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा रहा है। वहीं 1500 बुजुर्गों का सम्मान किया गया। अगर हमारा समाज किसी रूप में चल रहा है तो सिर्फ बुजुर्गों के आशीर्वाद से और उनके मार्गदर्शन से, मगर वर्तमान में स्थिति ये है कि हमारे जो युवा साथी हैं कहीं ना कहीं जाकर वो बुजुर्गों से दूर हो रहे हैं। जैसे कोई बुजुर्ग परिवार है, उनके बच्चे या तो विदेश में या नौकरी सर्विस में है, तो माता पिता अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और ये भी एक भावना रखते हैं कि हम नया साल काहे के लिए कोई फार्म हाउस में मनाएं, कोई क्लब में मनाएं, कहीं क्यों जाएं। हम सब मिलकर आपस में पारिवारिक माहौल में एक नया साल मनाते हैं। भजन संध्या होती है, पुराने गीत होते हैं, बुजुर्गों के साथ नृत्य वगैरह होता है, एक अलग माहौल बनता है, पारिवारिक माहौल बनता है। तो आज ये सब बुजुर्गों को आपने देखा होगा, लगभग 1500 से 2000 बुजुर्ग जो हमारे साथ भोजन भी किए, उनका सम्मान हुआ, सब कुछ हुआ। कहीं ना कहीं जाकर हमें उनका आशीर्वाद भी लेना चाहिए और मार्गदर्शन भी लेना चाहिए, क्योंकि उनके अनुभव के सामने हमारा अनुभव कुछ भी नहीं है। और यदि हम उनके अनुभव का लाभ लेंगे तो निश्चित रूप से हमारे शहर का, प्रदेश का और देश का विकास होगा। रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।